मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप इस वक्त मुश्किल में हैं। उन पर यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं और ये खबरें आप लगातार टेलीविजन और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। खबर का पूरा निचोड़ क्या है, यही आज की हमारी खबर में आपको मालूम पड़ने वाला है। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर संगीन आरोप लगाए हैं। पायल ने अनुराग कश्यप पर जो सबसे संगीन आरोप लगाया है वो है कि पायल के अनुसार वो एडल्ट फिल्म उनके सामने देखने लगे और मेरे सामने वो न्यूड हो गए। अभिनेत्री पायल घोष ने दावा किया है कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उनके साथ एक बार छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके सामने न्यूड हो गए थे और उन्होंने उनके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश की थी। अभिनेत्री पायल घोष ने 2014 में हुई घटना के बारे में भी खुलासा किया। पायल ने कहा कि मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप ने 2014 में मेरे साथ में छेड़छाड़ की थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो जो लड़कियां उनके साथ काम करती हैं वो उनके साथ गाला टाइम बिताते हैं। इतनी देर से चुप्पी तोड़ने को लेकर पायल ने ये कहा कि मैंने कई बार इस बारे में बोलना चाहा लेकिन मुझ पर कई तरह के दबाव थे, मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का और यहाँ तक कि मुझे अपना भविष्य जो है फिल्मों में खतरे में लग रहा था क्योंकि मैं किसी बड़े आदमी के खिलाफ आवाज़ उठाने जा रही थी। मेरे दोस्तों और परिवार ने मुझे ये समझाया कि इस मामले में चुप्पी बेहतर है क्योंकि इससे तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है। पायल ने उस घटना को याद करते हुए ये भी कहा कि मैं उनसे यारी रोड पर जो उनका बंगला है उनके ऑफिस में उनसे मिलने गई थी, वो किसी और से बात कर रहे थे इसलिए मैं उस दिन वापस आ गई। अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं कुछ भी ग्लैमरस न पहनूं ताकि मैं एक अभिनेत्री लगूं, एक एक्ट्रेस लगूं। मैं सलवार कमीज में जो सादे कपड़े होते हैं उनमें उनसे मिलने गई और अनुराग ने मेरे लिए खाना बनाया और मेरी प्लेट भी उठाई। मैं कुछ देर बाद वहाँ से चली आई लेकिन उसने यानी अनुराग कश्यप ने फिर से मुझे मैसेज करके वापस आने को कहा तो मैंने इस बारे में उन्हें मना कर दिया क्योंकि तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर मुझसे पूछा कि मेरे साथ कौन रहता है। पायल ने बताया इसके 2 या 3 दिन बाद वो फिर अनुराग कश्यप से मिली और तब ये घटना हुई। पायल ने कहा कि इस बार उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, उस वक्त वो स्मोकिंग कर रहे थे। मैं वहीं पर इंतज़ार में बैठी रही। कुछ देर बाद वो मुझे दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ उनकी पत्नी कल्कि कोचलिन के कई जूते रखे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरी पत्नी के जूते हैं और वो मुझसे इस वक्त नाराज़ हैं और इसी नाराज़गी में वो अमेरिका उनको छोड़कर चली गई। पायल ने बताया कि अनुराग उस समय अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट पर काम कर रहे थे। उसने यानी अनुराग कश्यप ने कहा कि लड़कियां रणबीर कपूर के साथ सिर्फ एक फिल्म करने के लिए सोने के लिए तैयार रहती हैं। इसके बाद अनुराग ने एक एडल्ट फिल्म देखना शुरू कर दिया। मैं डर गई। इसके बाद वो अचानक मेरे सामने न्यूड हो गए और मुझे अपने कपड़े निकालने के लिए कहा। मैंने कहा सर आई एम नॉट कम्फर्टेबल, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। अनुराग ने कहा कि मैंने जिन अभिनेत्रियों के साथ काम किया है वो मेरे साथ एक कॉल पर मेरे साथ आने के लिए तैयार रहती हैं। तब मैंने फिर उनसे कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं बीमार भी हूँ। किसी तरह मैं वहाँ से भागी। इसके बाद उनसे मैं दोबारा नहीं मिली। उसने कई बार मुझसे मिलने के लिए कहा। मैं आज तक वो घटना भूल नहीं पाई और वो मुझे बहुत परेशान करती है। अनुराग और कल्कि की शादी 2011 में हुई थी और 2015 तक चली। 2013 में उनके अलग होने की घोषणा के बाद 2015 में उनका तलाक हो गया था। पायल ने यह भी बताया कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे दोस्तों ने कहा कि आप चाहे तो पुलिस में शिकायत करें लेकिन मैं अनकंफर्टेबल थी, मैंने शिकायत नहीं दर्ज करवाई। बाद में मी टू कैंपेन शुरू होने के बाद भी मेरे परिवार, मैनेजर समेत इंडस्ट्री के कई लोगों ने मुझे चुप रहने के लिए कहा क्योंकि इससे मेरा करियर बर्बाद हो सकता था, लेकिन इस पर बोलना ज़रूरी है। पायल घोष ने 2009 की तेलुगु फिल्म प्रायनम से अपना करियर शुरू किया था। 2011 में कन्नड़ फिल्म वर्धाधारे में वो नज़र आई। 2008 में ब्रिटिश टीवी शार्प स्पैरल में भी वो एक भूमिका में नज़र आई। पायल ने पटेल की पंजाबी शादी नाम की एक हिंदी फिल्म में भी काम किया जिसमें ऋषि कपूर और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार भी उनके साथ ने
काम कर चुके हैं। इसके बाद बात आती है अनुराग कश्यप के बारे में जानने की कि वो किस तरह के इंसान अब तक नजर आते हैं। वो ब्लैक फ्राइडे 2004, नो स्मोकिंग 2007, देवडी 2009, गुलाल 2009, 2011 की द गर्ल इन येलो बूट्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 जैसी अलग अलग फिल्में बना चुके हैं। कुछ साल पहले उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वो खुद भी यौन शोषण का शिकार हुए हैं। अनुराग अपने ट्वीट्स के लिए भी जाने जाते हैं और इस वक्त देश में उन्हें तीव्र प्रतिक्रियावादी एक निर्देशक माना जाता है। अनुराग के अनुसार 11 साल तक जब वो छोटे थे उनका किसी ने यौन शोषण किया, लेकिन अब उन्होंने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया है। उस वक्त वो 22 साल का था। कई सालों बाद मैं उनसे मिला तो उसे भी इस बात का पछतावा था, लेकिन ये भूलना मेरे लिए आसान नहीं था। तनाव, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में मैं मुंबई आया था और यहाँ भी जो शुरुआती साल थे मेरे संघर्ष के, लेकिन उन संघर्ष के दिनों में मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं आया। इससे बाहर आने में मेरी मदद की कल्कि ने, यानी कल्कि कोचलिन, जो अनुराग की बीवी रही हैं। अब उनका तलाक हो गया है। अनुराग की पहली शादी जो है वो आरती बजाज से हुई थी। दोनों की एक 19 साल की बेटी है जिसका नाम आलिया है। अनुराग की पहली शादी जो है वो 1997 में हुई थी, लेकिन 2009 में आरती बजाज और अनुराग कश्यप का तलाक हो गया था। बाद में अनुराग ने एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन से 2011 में शादी कर ली, लेकिन ये भी शादी लंबी नहीं चल पाई। 2015 में दोनों अलग हो गए। 26 साल की शुभ्रा को अनुराग इस वक्त डेट कर रहे हैं और वो खुद 48 साल के हैं। खुद से 20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी को डेट करने की खबरों के चलते वो सुर्खियों में बने रहते हैं। 27 साल की शुभ्रा ने 2014 में मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। फिलहाल वो अनुराग की प्रोडक्शन कंपनी फैंटम फिल्म्स में उनके साथ ही काम कर रही है। हाल ही में आई अनुराग कश्यप की वेब सीरीज चौक्ड की स्क्रिप्ट भी शुभ्रा ने ही लिखी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अनुराग कश्यप अपनी तीव्र प्रतिक्रियावादी सोच के लिए जाने जाते हैं, इसी के चलते उन्होंने एक बार बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से भी पंगा ले लिया था। अनुराग सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो हर मुद्दे पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी एक बार 2012 में नहीं बख्शा, वो भी उनके निशाने पर आ गए। अनुराग ने आरोप लगाए थे कि अपने बेटे अभिषेक की फिल्म खेले हम जी जान से के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन ने अपने ओहदे का, अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल किया और फिल्म चटगांव की रिलीज में उन्होंने समस्याएं पैदा की। इसके बाद बड़े मामलों पर भी बिग बी की चुप्पी भी अनुराग को कई बार सालती रही। 2019 में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर चुप्पी साधे रहने के बाद जब अमिताभ दोबारा सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए तो लिखा था, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बस 19-20 का ही फ़र्क है। और इस बात को लेकर अनुराग गुस्सा गए और उन्होंने तंज करते हुए लिखा, इस बार फ़र्क 19-20 का नहीं है सर, इस बार फ़र्क बहुत बड़ा है। फिलहाल आप कृपया अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने हिस्से का आपने 70 के दशक में ही कर दिया था, तब से अपने अंदर का बच्चन हम अपने अंदर लेके घूम रहे हैं। इस बार सामने गब्बर हो या लॉयन या फिर शाकाल, हम भी देखेंगे। अक्षय कुमार को लेकर भी उन्होंने एक बार एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। बीते कुछ महीनों पहले की बात है जब अक्षय कुमार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CA के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट से जुड़ा एक ट्वीट अनजाने में लाइक कर दिया था। इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी था जिसमें दिल्ली की जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का मजाक उड़ाया गया था। बाद में अक्षय ने इसे अनलाइक कर दिया था। ये एक माफीनामे जैसा था, लेकिन ट्विटर यूजर्स के निशाने पर वो आ गए थे। एक यूजर ने अक्षय को बिना रीढ़ की हड्डी वाला इंसान कहा, जिसका समर्थन डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने किया था। ट्विटर यूजर ने अक्षय पर निशाना साधते हुए लिखा था कि मैं अक्षय कुमार का बेहद सम्मान करता हूँ, रीढ़ की हड्डी के बगैर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने में उन्हें बहुत दिक्कत पेश आई होगी। ट्विटर यूजर का सपोर्ट करते हुए अनुराग ने अक्षय को निशाने पर लेते हुए लिख दिया, ये बिल्कुल सही है। खैर, कुल मिलाकर अपनी बेबाकी के लिए जाने वाले अनुराग कश्यप फिलहाल मुश्किलों में हैं। सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर यानी हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। आपको
इनके लिए एक काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि कोई खबर आपसे छूटे ना। अपडेट्स के साथ समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे। शुक्रिया।